हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी हब। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखेंगे झारखंड की करंट अफेयर्स और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आ सकती है झारखंड की एग्ज़ाम्स में, क्योंकि लगातार झारखंड में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं वो जो 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था फरवरी में झारखंड में, उसका ब्रांड नेम क्या था। तो वो मोमेंटम झारखंड उसका ब्रांड नेम था, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और कहाँ पे हुआ था ये, खेलगांव, जो रांची में है, खेलगांव वहाँ पे हुआ था। ये जगह का भी आपको नाम याद रखना है। और इसको उद्घाटन इसका किसने किया था या इनॉग्रेशन इसका किसने किया था, तो याद रखिएगा अरुण जेटली ने किया था। कई लोग नरेंद्र मोदी, अगर ऑप्शन में होगा तो नरेंद्र मोदी मार सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है अरुण जेटली ने इसका उद्घाटन किया था। और ब्रांड एम्बेसडर इस समिट का कौन था, MS धोनी इस समिट के ब्रांड एम्बेसडर थे। और मैस्कॉट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैस्कॉट या फिर लोगो क्या था इस समिट का। तो देखिए रेड एलिफेंट या लाल हाथी इस समिट का लोगो था या मैस्कॉट था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस समिट से। और नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एड्रेस किया था इस समिट को, वहाँ पे खुद नहीं आए थे लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एड्रेस किया था इस समिट को। और CM रघुवर दास ने इसी समिट में जो प्रवासी झारखंड दिवस है उसके बारे में अनाउंस किया था, उसकी डेट्स को अनाउंस किया था, कब कब होने वाला है। 28, 29 एंड 30 नवंबर को झारखंड प्रवासी दिवस होने वाला है, तो ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 28, 29 एंड 30 नवंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, इसके बारे में भी उन्होंने ऐलान किया था कि कब होगा। अब 2018 और 2019 में हो सकता है नेक्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, तो ये भी डाटा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट में आए, अगर हम स्कीम्स में आए, तो सबसे पहले जो स्कीम हम देखेंगे वो है ई उपार्जन योजना। और इस योजना के तहत जो हमारे किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो अपनी उपज को, जो भी उनकी उपज होती है, उनको आसानी से बेच सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने 320 अलग अलग जगहों पे केंद्र बनवाए हैं, सेंटर्स बनवाए हैं। और इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को, और फिर उनको एक मैसेज आएगा मोबाइल में कि किस दिन और किस टाइम पे किस केंद्र में जाके उनको अपना सामान बेचना है। तो ये किसानों के लिए योजना है ई उपार्जन, ये आपको याद रखना है। और इसको लॉन्च किसने किया था, सरयू राय ने लॉन्च किया था, जो मिनिस्टर हैं कौन, किसके, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। सरयू राय, कई बार पूछ लेते हैं कि सरयू राय कौन सा कैबिनेट पोर्टफोलियो संभालते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट अगर हम योजना देखें या स्कीम देखें, तो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाके योजना, जो PTG है, इसका फुल फॉर्म है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। हमको पता है झारखंड में 8 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं। तो इस योजना के तहत क्या होगा, जो 35 KG जो राइस है, 35 KG चावल हर महीने जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको दिया जाएगा। और ऐसा इस प्रोग्राम के तहत ऐसा माना गया है कि जो BPL फैमिलीज़ हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जो फैमिलीज़ हैं, ऐसे 70,000 परिवारों को ये योजना से लाभ मिलेगा। और ये सिर्फ प्रिमिटिव ट्राइब्स को दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर एक गरीब परिवार को दिया जाएगा। ये योजना सिर्फ जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, झारखंड में 8 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं अगर आपको पता हो तो। और कौन कौन से रीजन में ये योजना चलाई जाएगी, तो गोड्डा, साहिबगंज एंड पलामू, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखना है कि कहाँ पे ये योजना लागू होगी, गोड्डा, साहिबगंज एंड पलामू। उसके बाद इस योजना में जो राशन है वो डोर टू डोर पहुंचा जाएगा, मतलब कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा राशन लेने के लिए, और ये राशन वैन से आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। तो ये पहला ऐसा स्टेट होगा जो होम डिलीवरी करेगा राशन का। तो ये अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट स्टेट टू डू होम डिलीवरी ऑफ राशन, तो झारखंड अगर ऑप्शन में होगा तो झारखंड आप मार सकते हैं। अगर हम दूसरी योजनाएँ देखें, अगर हम तेजस्विनी योजना पर आएँ, तो इसको लॉन्च किसने किया था, तो CM रघुवर दास ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और इसी वक्त में जो राज्यपाल हैं झारखंड की, द्रौपदी मुर्मू, वो भी उस इवेंट में मौजूद थी। और एक बात और जो ज़रूरी आपको याद रखना है कि इस योजना को झारखंड राज्य सरकार और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलके चलाएंगी। और कितना पैसा आवंटित हुआ है इस योजना को चलाने के लिए, तो 600 करोड़ या 600 करोड़ रुपीज़ इज़ अलोकेटेड फॉर द रनिंग ऑफ तेजस्विनी स्कीम, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब तेजस्विनी योजना है किसके लिए, तो जो महिलाएं हैं 14 से 24 साल की एज की, ये भी आपको याद रखना है कि एज ग्रुप क्या है, 14 से 24 साल की जो महिलाएं हैं,
उनकी सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई जाएगी, और झारखंड की जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सिर्फ 17 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टार्टिंग में चलाई जाएगी, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। और इस योजना में क्या क्या कवर होगा, तो सबसे पहले इनको अनौपचारिक शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो राज्य में महिलाओं की शिक्षा और विकास दर गिर रही है उसको सुधारा जा सके, और कोशिश किया जाएगा कि शिक्षा जो 10वीं कक्षा है वहाँ तक की शिक्षा दी जाए, और उस शिक्षा के बाद जो उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिया जाए, स्किल ट्रेनिंग लेसन्स या कहें तो वोकेशनल ट्रेनिंग लेसन्स दिया जाए, ताकि वो अपनी जो जीवन यापन है वो भी कर सके, घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ काम कर सके। तो शिक्षा और लाइवलीहुड ऑफ वुमेन, ये इस प्रोजेक्ट का मेन एम है, और सरकार इस प्रोजेक्ट में 10,000 रुपये तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा महिलाओं को दे सकती है, पर उसके लिए उनको दोनों शिक्षा और उसके बाद जो वोकेशनल ट्रेनिंग है दोनों के दोनों कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हम जोहार योजना के बारे में जाने तो इस योजना में जो पैसा आवंटित किया गया है, अलोकेट किया गया है, वो है 1400 करोड़। और इस योजना का जो मेन उद्देश्य है या मेन फोकस है कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है जिसको हम रूरल इकोनॉमी कहते हैं, उसको कैसे मजबूती प्रदान की जा सके, और कैसे जो गांव में लोग रहते हैं उनके जो जीवन में सुधार कैसे हम ला सकते हैं और लिविंग स्टैंडर्ड्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसकी कोशिश की जाएगी। और सरकार इसमें जो है स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको हम हिंदी में लघु और कुटीर उद्योग कहते हैं, उसमें फंडिंग करेगी, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। और एक और जो हम देखेंगे इसी से, कि जो झारखंड की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, जो बाल एवं महिला विकास मंत्री हैं झारखंड की, वो कौन है, लुइस मरांडी। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ देते हैं कि सोशल वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, तो लुइस मरांडी हैं। एक और जो योजना मैं बताना भूल गया आपको, वो है दाल भात योजना, जो झारखंड में लॉन्च हुआ था, और इस योजना के तहत 5 रुपीज़ में 5 रुपये में एक प्लेट खाना दिया जाएगा। तो ये मैंने बताया नहीं है और आगे के लेक्चर में भी मैंने मेंशन नहीं किया है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि 5 रुपीज़ में दाल भात योजना जो है वो लॉन्च होगी और एक प्लेट खाना प्रोवाइड किया जाएगा इसके तहत। अगर हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बारे में जाने तो इस योजना को सीएम रघुवर दास ने लॉन्च किया था, और किसको किसको बेनिफिट होगा इस योजना से, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार हैं वो, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको हम सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं, ये दोनों इनके अंदर कवर होंगे। और इस योजना के तहत सभी धर्मों को कवर किया जाएगा, और जो पुअर फैमिलीज हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो पैसे की तंगी की वजह से अगर अपने रिलीजियस साइट्स को नहीं घूम पाते, तो उनके लिए योजनाएं लॉन्च की गई हैं। और जो पहला स्लॉट है जिसमें लोग कहाँ पे जाएंगे दर्शन के लिए, तो पुरी जाएंगे, उड़ीसा। ये आपको याद रखना है कि जो सबसे पहले दर्शन के लिए पहला स्लॉट निकलेगा वो पुरी जाएगा। और एक और जो हम देखेंगे, राज्य के पर्यटन और खेल या फिर कहें संस्कृति और कला और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो अमर बावरी। ये आपको याद रखना है कि अमर बावरी कौन है, तो पर्यटन खेल कला संस्कृति मंत्री हैं झारखंड के, अमर बावरी। तो हम झारखंड से कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसमें झारखंड का अभी रैंक क्या है, तो 7वां रैंक है। जी हाँ, अभी 7वां रैंक है, और पहला रैंक किसका है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का 7-7 पहला रैंक है। अगर हम दूसरा न्यूज़ पे आ जाएं तो जो राज्य की स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितना रिजर्वेशन दिया गया है, तो 2% रिजर्वेशन दिया गया है। ये आपको ज़रूरी है, झारखंड में 2% रिजर्वेशन है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। उसके बाद झारखंड सीएम रघुवर दास ने अनाउंस किया है कि झारखंड ODF फ्री, यानी कि जो ओपन डिफिकेशन फ्री या फिर जो शौच मुक्त बोलते हैं, उसको 2018 तक करने का लक्ष्य रखा है। तो ये आपको याद रखना है कि कब तक, 2018 तक। उसके बाद जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी झारखंड में बनने जा रही है वो कहाँ पे बनेगी, रांची में, और इसको कौन बनाएगा, तो CCL सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाएगी। झारखंड दूसरा राज्य बन गया है जिसने अडॉप्ट किया है जनवरी से दिसंबर का वित्तीय वर्ष या फिजिकल ईयर, और सबसे पहला राज्य कौन था, तो मध्य प्रदेश ने सबसे पहले अपनाया था जनवरी से दिसंबर का फिजिकल ईयर। इससे पहले जो वित्तीय वर्ष चलता था वो है अप्रैल से मार्च का, तो ये आपको याद रखना है कि झारखंड ने अपनाया है जनवरी से दिसंबर का फिजिकल ईयर आफ्टर मध्य प्रदेश। और वेदांता कंपनी अपना स्टील प्लांट किस जगह पे खोलेगी, तो वो है मनोहरपुर इन पश्चिमी सिंहभूम कहें या वेस्ट सिंहभूम, वहाँ पे खोलेगी। और
जो कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने अपना वेब टेलीविजन लॉन्च किया है, तो वो भी झारखंड है। प्लीज रिमेम्बर, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन वेब टेलीविजन। अगर हम गूगल प्ले पे जाके डाउनलोड करें इसका ऐप jharkhand.tv, तो वहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी हम jharkhand.tv करके वेब टेलीविजन के द्वारा देख सकते हैं जो वेरियस स्कीम्स है झारखंड सरकार की, उनके बारे में जान सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेट झारखंड है। और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड किसको दिया गया, तो ये भी झारखंड को दिया गया था इस बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो ये आपको याद रखना है कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है, तो झारखंड है। और एक फिल्म सिटी भी बनने जा रहा है झारखंड में, तो वो कहाँ पे बनेगा, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, इन पतरातू, ये आपको याद रखना है। और वेंकैया नायडू ने अनाउंस किया है कि एक DD चैनल झारखंड के लिए बनेगा, 24/7 चलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ में आए, तो जो न्यू एम्स हॉस्पिटल, हमको पता है कि 2017 के बजट में दो नए एम्स बनेंगे, कहाँ कहाँ पे, झारखंड और गुजरात में। तो जो झारखंड में बनेगा वो कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, तो वो देवघर में बनेगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देवघर इन झारखंड, एम्स यहीं पे बनेगा। और नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले किया था किस प्रोजेक्ट के लिए, जो 4-लेन ब्रिज है या मल्टी मोडल टर्मिनल प्रोजेक्ट है रिवर गंगा पे, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो साहिबगंज, यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने अपना जो इसका फाउंडेशन स्टोन है वो रखा था। और उसके बाद हम देखें तो कैंसर रिसर्च सेंटर और हॉस्पिटल रांची में कौन खोलेगा, तो वो है टाटा। और झारखंड गवर्नमेंट सून प्लास्टिक्स को बैन कर सकती है, पॉलिथीन बैग्स, जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं या पॉलिथीन बैग्स होते हैं, उसको झारखंड सरकार बैन करने के बारे में सोच रही है। और जो थर्माकोल प्लेट्स हैं, थर्माकोल के जो प्लेट्स हैं उसको ऑलरेडी बैन कर चुकी है। जो बीशु पर्व है या सेंद्रा जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, वो एक हंटिंग फेस्टिवल है। और ये कहाँ पे मनाया गया था, जो डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जमशेदपुर के पास, वहाँ पे इसे मनाया गया था। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि बीशु पर्व और ये किस तरह का फेस्टिवल है, हंटिंग फेस्टिवल है, और कहाँ पे मनाया गया था, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मनाया गया था। उसके बाद हम देखें जो नॉर्थ कोयल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो 40 साल पुराना प्रोजेक्ट है, 40 साल पहले इस पे काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। और नॉर्थ कोयल नदी पे ये बना हुआ था। और नॉर्थ कोयल नदी कहाँ से निकलती है, रांची के पठार से, रांची प्लेटू से निकलते हो, और मिलती कहाँ पे है, सोन नदी में जाके मिलती है। इस पे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उसको फिर से केंद्र सरकार ने कंप्लीट करने के लिए 1600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, दिए हैं या अलोकेट किए हैं। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये था कि झारखंड और बिहार में जितने भी पानी के प्रॉब्लम्स हैं, इरिगेशन प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर किया जा सके, तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। और फिर से अभी इसको फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। और दूसरे न्यूज़ हम देखें तो झारखंड सरकार ने जो देवघर एयरपोर्ट है उसको बनाने के लिए और उसके एक्सपेंशन के लिए किससे MOU साइन किया है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड DRDO के साथ उन्होंने MOU साइन किया है। उसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट अभी कौन है, तो DN पटेल है, ये या आपको याद रखना है, DN पटेल एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट है अभी। झारखंड पुलिस ने जो राज्य के नक्सल प्रभावित एरियाज हैं, वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं या फिर जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस है, उनके लिए कौन सा प्रोग्राम चालू किया है, तो उस प्रोग्राम का नाम है तारे ज़मीन पर। यह आपको याद रखना है कि तारे ज़मीन पर झारखंड पुलिस द्वारा स्टार्ट किया गया है इन नक्सल प्रभावित एरियाज में। और किसके लिए, जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस है, जो बहुत ही गरीब बच्चे हैं, उनको नक्सलिज्म में ज्वाइन करने से रोकने के लिए प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसका नाम है तारे ज़मीन पर। उसके बाद हम देखेंगे झारखंड की जो राज्य सरकार है और झारखंड की जो स्टेट पुलिस है, उन्होंने मिलके एक लॉन्च ऐप किया है, शक्ति ऐप। और ये किसके लिए है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये ऐप है, जो गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है। और इससे डायरेक्टली जो महिलाएं हैं वो अगर छेड़छाड़ की वारदात होती है, हरासमेंट या उनके साथ अब्यूज़ होता है, तो झारखंड IT सेल के साथ वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये शक्ति ऐप आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसकी पहली ब्रांच कहाँ पे खुली है, तो उसकी पहली ब्रांच साथ साथ रांची और रायपुर दोनों जगह एक ही साथ खुली थी। तो ये आपको याद रखना है, रांची एंड रायपुर इन छत्तीसगढ़ और रांची इन झारखंड, दोनों जगह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ब्रांच खुली थी। और उसके बाद कंट्रीज लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा फ्रेश वाटर एक्वेरियम है, वो कहाँ पे खुला है देश का,
तो वो भी झारखंड में खुला है, रांची में। और डीजीपी कौन है झारखंड के? तो डीके पांडे अभी डीजीपी हैं झारखंड के। उसके बाद हम देखें तो आदि धर्म किसने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामदयाल मुंडा। क्योंकि अभी रामदयाल मुंडा की जयंती थी, अगर आपको याद हो तो न्यूज़ में रेगुलरली आ रहा था, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आदि धर्म किसने लिखी है, तो इसका आंसर होगा रामदयाल मुंडा। उसके बाद MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो है वो, उसके डायरेक्टर कौन थे? तो नीरज पांडे उसके डायरेक्टर थे, आपको याद रखना है, नीरज पांडे ने डायरेक्शन की थी उस मूवी की। और जो झारखंड स्टेट है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी हैं NN पांडे, आपको याद रखना है, NN पांडे। और लोकायुक्ता कौन है झारखंड के? तो ध्रुव नारायण उपाध्याय अभी लोकायुक्ता हैं। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड श्रीमती राजबाला वर्मा हैं अभी, तो ये आपको याद रखना। और स्पीकर कौन है? तो स्पीकर दिनेश उराव हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन वो कौन है? हेमंत सोरेन। और HRD मिनिस्टर कौन है? तो श्रीमती नीरा यादव हैं। ये चीफ मिनिस्टर रघुवर दास ने श्रमिक सम्मान समारोह का उद्घाटन किया था लेबर डे के दिन, और इसके लिए इसका जो मेन पर्पस था वो है वेलफेयर ऑफ लेबरर्स ऑफ द स्टेट, जो झारखंड राज्य के लेबरर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए स्कीम चलाई गई है। और इस स्कीम के तहत जो रजिस्टर्ड लेबरर पेंशनर्स हैं उनको पहले कितना अमाउंट मिलता था? 500 रुपये, और अभी बढ़ा के उनको 750 रुपये मिलेगा। और जो रजिस्टर्ड फैमिली पेंशनर्स हैं उनको पहले 300 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़ा के 500 रुपये कर दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पहले कितना था और अभी कितना हो गया है। तो फैमिली पेंशनर्स के लिए अभी 500 है, और रजिस्टर्ड लेबर पेंशनर्स जो थे उनके लिए अभी 750 है, जो पहले 500 रुपये था। और अगर हम आगे देखें तो जो संपर्क फाउंडेशन है उन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है संपर्क स्मार्ट शाला प्रोग्राम। और ये किसके लिए है? जो प्राइमरी स्कूल्स है झारखंड की, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं उसके लिए है। और इसका एम ये है कि जो वहाँ पे पढ़ रहे बच्चे हैं उनमें कम से कम 80% जो बच्चे हैं उनको बेसिक मैथमेटिक्स आ सके अच्छे से, और 500 न्यू इंग्लिश वर्ड वो बोल सके और लिख सके हर साल। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इस संपर्क फाउंडेशन है वो 40 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, और ये कितने स्कूल्स को कवर करेगी? 26,000 जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं उसको कवर करेगी, और 40 लाख चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनको कवर करने का उद्देश्य है इनका या एम है इनका। उसके बाद हम देखेंगे कि जो नोट बैन हुई थी उसके बाद काफ़ी सारे जो विलेजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कैशलेस हुए थे या डिजिटल हुए थे, तो उसमें झारखंड सरकार है उन्होंने ऐसा दावा किया है कि झारखंड राज्य के जो 4 पंचायत हैं वो भी इसमें कैशलेस हुए हैं। तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं, दुधवा वेस्ट और दुधवा साउथ, ये दोनों कहाँ पे हैं पंचायत? तो जो चंद्रपुरा ब्लॉक है इन बोकारो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे हैं। और उसके बाद जो और दो पंचायत हैं वो है कासीदा और धर्मभल, ये कहाँ पे है? घाटशिला इन ईस्ट सिंहभूम, जो ईस्ट सिंहभूम में है यहाँ पे कासीदा और धर्मभल है। अगर कुछ और न्यूज़ देख लें झारखंड से रिलेटेड, तो विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स तक झारखंड गया था, और विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, और इसको जीता किसने था? तो तमिलनाडु ने फाइनल जीता था बंगाल को हरा के। उसके बाद शहबाज नदीम जो झारखंड से रणजी खेलते हैं उसको, उनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो माधवराव सिंधिया अवार्ड मिला है, जो एक BCCI का अवार्ड है, फॉर द बेस्ट बॉलर के लिए मिला है रणजी ट्रॉफी में। अब हमको पता है BCCI अवार्ड्स में भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, जैसे पॉली उमरीगर होता है, KC नायडू अवार्ड्स होता है, माधवराव सिंधिया अवार्ड्स होता है, तो माधवराव सिंधिया का बेस्ट बॉलर अवार्ड शहबाज नदीम को मिला है जो झारखंड से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। उसके बाद जो एक 5 सिटीज़ हमको पता है इंडिया में जहाँ पे अब डेली चेंज होगी, पेट्रोल और डीजल के दामों में डेली चेंज आएगा, और उनमें से जो झारखंड में एक सिटी है वो कौन है? जमशेदपुर, ये आपको याद करना है, जमशेदपुर में डेली चेंज होगा पेट्रोल और डीजल के दाम। उसके बाद जो झारखंड पंचायत बॉडीज़ हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए कितना परसेंट रिजर्वेशन है? तो 50% रिजर्वेशन है पंचायत में महिलाओं के लिए झारखंड में। उसके बाद जो उदय उजाला और उज्ज्वला है इससे रिलेटेड हर बार पूछ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है और किससे रिलेटेड है, तो उदय स्कीम है, इसका फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद उजाला जो है उसका फुल फॉर्म होता है उन्नत जीवन बाई अफोर्डेबल LEDs एंड अप्लायंसेस फॉर ऑल, जो LED बल्ब्स होती हैं उससे रिलेटेड है उजाला योजना। और उज्ज्वला क्या है? जो LPG कनेक्शन, जो गैस कनेक्शंस दी जाती हैं BPL फैमिलीज को या जो गरीब परिवार हैं उनको दी जाती हैं,
वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आती है, और जो भीमराव अंबेडकर आवास योजना झारखंड में लॉन्च हुई है वो हाउसिंग स्कीम को कवर करती है। किसके लिए? जो विडोज हैं, जो विधवास हैं झारखंड में, उनको कवर करती है। तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना हाउसिंग स्कीम है, लेकिन सिर्फ विडोज के लिए है। उसके बाद सुमराय टेटे, हमको पता है कि झारखंड की हॉकी प्लेयर हैं, इनको ध्यानचंद अवार्ड मिला है 2017 का हॉकी में, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर फ्रॉम झारखंड कौन है जो ओलंपिक्स में खेली है, तो वो है निकी प्रधान, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था शायद जेपीएससी में, और पूछा जा सकता है जेएसएससी के किसी भी एग्जाम्स में। तो याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर फ्रॉम झारखंड जिन्होंने ओलंपिक्स में खेला है, तो वो है निकी प्रधान, ये याद रखना है। और अगर आपको यह अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।